अभी हम वंजाव का जो वन ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग टेक्सटाइल मार्केट है, लास्ट ईयर जब मैं 2023 में आया था तो यहाँ का मैं कपड़े का मार्केट का ब्लॉग बना था थोड़ा बहुत, तो बहुत सारा भाई बोला कि अच्छे से बनाइए। जो 2024 में मैं वापस आया हूँ वंजाव, हम चलते हैं जो सबसे बड़ा जो चुंगा का मार्केट है, जो कपड़े का फैब्रिक मार्केट, जो वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट टेक्सटाइल मार्केट है, वहाँ चलते हैं। हमारे चलिए हम लोग यहाँ पे मार्केट के भीतर आपको ये बैटरी ऑपरेटेड स्कूटी बहुत मिलेंगे। और एक जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो बता दूं आपको, ये जो नया कॉम्प्लेक्स में है। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक वंस अगेन। अभी हम वंजाव का जो वो वन ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग टेक्सटाइल मार्केट है, जो कि चुंगदा बोला जाता है जिसको, अभी हम वहीं पे हैं। तो लास्ट ईयर जब मैं 2023 में आया था तो यहाँ का मैं कपड़े का मार्केट का ब्लॉग बना था थोड़ा बहुत, तो बहुत सारा भाई बोला कि अच्छे से बनाइए। अभी 2024 में मैं वापस आया हूँ वंजाव, तो अभी वो कपड़े का मार्केट हमारे पीछे आप देख सकते हैं, जो बड़ा सा मार्केट है वो मार्केट है चुंगदा का, जो मेन फैब्रिक मार्केट जो ही है उसका साथ बहुत सारा इधर में साइड में भी इधर भी सब मार्केट लगा हुआ है जो कि कपड़े का मार्केट है। तो यहाँ भी हम लोग थोड़ा बहुत देखेंगे, लेकिन पहले हम चलते हैं जो सबसे बड़ा जो चुंगदा का मार्केट है, जो कपड़े का फैब्रिक मार्केट, जो वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट टेक्सटाइल मार्केट है, वहाँ चलते हैं। हमारे चलिए हम लोग देखते हैं क्या देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी हम मार्केट का भीतर पहुंच चुके हैं। ये बहुत ही बड़ा मार्केट है, हम एक तरफ से घुसे हैं, अभी आप लोग को थोड़ा दिखाने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे फैब्रिक का मार्केट है पूरा, ये लोग यहाँ पे सैंपल, नॉर्मली सैंपल ही रखते हैं, आप चाहें तो आप सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं, फिर अपने हिसाब से बाद में ऑर्डर। अभी सामने देखिए ये सब जो गारमेंट वगैरह लगा हुआ है, इसी का ही फैब्रिक देखते हैं। ये गारमेंट नॉट फॉर सेल है ये मार्केट। यहाँ पे मार्केट के भीतर आपको ये बैटरी ऑपरेटेड स्कूटी बहुत मिलेंगे। एकदम पीछे 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 ये लोग आ जाते हैं, माल ढोते भी ये लोग इसी से ही है। पहले यहाँ नहीं था, ये लॉकडाउन के बाद से बहुत ही ज्यादा हो गया। लास्ट ईयर में जब आया था तब भी ऐसा ही था, और तो अभी तो और भी बढ़ गया है। ये देखिए जैसे ये लोग फैब्रिक का बना के रखा है, यानी हाँ इस टाइप का सेट कट वगैरह ये लोग रखते हैं, आप चाहे तो ले भी सकते हैं। ये मार्केट में आप अगर चाहे तो बहुत ज़्यादा आपको लार्ज क्वांटिटी नहीं लेना है, आप चाहे तो कपड़े का एक दो थान कर करके ऐसा करके क्वांटिटी बना के ले भी सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे ये लोग पूरा लाइन से सेट कार्ड लगा के रखे हैं। ये सब सेट कार्ड का आप जो ऑर्डर करना चाहेंगे वो लोग ऑर्डर आपको दे देता है। ये कपड़े का मैं रेट का ही नहीं बता रहा हूँ, इसका कपड़े का एक पर्टिकुलर रेट तो होता नहीं, जिस टाइप का पकड़े आप कपड़ा आपको चाहिए आप उसको टच कीजिएगा, फील कीजिएगा, उसका बाद भी आपको समझ में आएगा क्या है ये कपड़ा का, कौन सा क्वालिटी का है क्या है। कपड़े का तो रेट ऑल कपड़े का डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो इससे रेट बताने का इसमें कोई फ़ायदा है भी नहीं। बहुत सारे भाई बोलते हैं कि आप रेट नहीं बताते हैं, तो ये कपड़े का रेट बता के कोई फ़ायदा तो है ही नहीं, आपको क्या समझ में आएगा कपड़े का। ये कपड़ा लुक से तो आपको पता ही नहीं चलेगा, इसको जब आप टच नहीं करोगे, फील नहीं करोगे, आपको फायदा जो कपड़े का फील में है उसी को ये ज़्यादा समझ आता है। ये देखिए बहुत ही बड़ा मार्केट है। देखिए यहाँ से मैं बीच में जाके कैमरा घुमाने का कोशिश करता हूँ। ये देखिए ये पूरा के पूरा इतना बड़ा कपड़े का होलसेल मार्केट है। अभी मैं ग्राउंड फ्लोर में हूँ, ग्राउंड फ्लोर में स्कूटी वाला बहुत डिस्टर्ब करता है, मैं अभी फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाता हूँ। यूट्यूबर यूट्यूबर हेलो आप चैनल यूट्यूब यस यू नो मी नो आई डोंट आई एम फ्रॉम इंडिया आई हैव आल्सो यूट्यूब चैनल गुड नाइस टू मीट यू अभी हम
फर्स्ट फ्लोर पहुंच चुके हैं। फर्स्ट फ्लोर में आपको गार्डियंस के लिए आपको गाइड करेगा, जो ये ऐसा लगा हुआ है यहाँ पे, आप जहाँ भी दुकान वगैरह आपको जाना है आप यहाँ से क्लिक कर सकते हो कि आपको वहाँ का पर्टिकुलर क्या दुकान है, क्या है वो नंबर में दुकान में क्या है आपको यहाँ बता देगा। मतलब आपको हर दुकान में जाके देखने का उतना ज़रूरत नहीं है, किसका क्या टाइप का क्वालिटी है। जैसे 2023 अभी मैं दवा तो यहाँ आ गए दुकान में, किस टाइप का फैब्रिक मिलता है आप यहीं से थोड़ा बहुत जज कर सकते हो। फ्लोर वाइज भी है, जैसे आपको फ्लोर प्लान देखना है तो फ्लोर प्लान आपको फ्लोर में किस टाइप का है, कहाँ किस टाइप कहाँ पर कौन सा दुकान है, जैसे अपने आपको यहाँ पर जाना है तो आप यहाँ पर टच करोगे तो उसका डिटेल वगैरह आपको आ जाएगा। फिर आपको नेविगेशन भी करना है तो यहाँ से आप करो तो आपको वो बता देगा कि किस तरफ आपको जाना है। तो बहुत ही एडवांस टाइप का जो मार्केट होता है ना, एडवांस टाइप के लोग को बना रखा है कि इतना बड़ा मार्केट है, आदमी को तो ढूंढते ढूंढते पूछते पूछते बहुत हालत ख़राब हो जाएगा। तो बस में आओ, आके यहीं से पूरा देख लो, देख के जा सकते हो। इसी के लिए अभी चाइना का जो डेवलपमेंट है, जो अभी इतना आगे जा रहा है, इसमें ये लोग को टेक्नोलॉजी का भी यूज़ हर चीज़ में करता है। जैसे कपड़े का होलसेल मार्केट है, इसमें भी आप देखो कितना अच्छा टेक्नोलॉजी का यूज़ किया और मार्केट जो बनाया कितना स्पेशियस, आराम से आदमी आए देखे चारों तरफ, एकदम मॉल टाइप का बना के रखा है। तो इससे हम लोग को सीख भी लेना पड़ेगा, इस टाइप का अगर हम लोग भी डेवलप करें लेकिन हम लोग का उधर भी इतना लंबा काम हो सकता है। तो जो कपड़े का व्यापार से रिलेटेड है वो आदमी तो है ही है, जो इससे रिलेटेड नहीं है वो लोग भी इससे देख के बहुत कुछ सीख ले सकते हैं। ये देखिए, ये एकदम हर दुकान का सामने एकदम लाइन से लगा हुआ है आपका शेड कार्ड वगैरह, आपको जो तरीके का कपड़ा वगैरह चाहिए तो हर दुकान में आपको एकदम भर भर के शेड कार्ड मिलेगा। ऐसे नहीं कि आपको कहीं देखना है, आप अगर चाहें जो जो शेड कार्ड आपको लेना है आप इस तरीके से शेड कार्ड को लेके जा भी सकते हैं। ये स्पेशली आपके लिए, अगर आप दुकान में जाएंगे ये लोग रेट वगैरह कपड़े का कॉन्फिगरेशन कैसा क्या है नहीं है आपको डिटेल सब बता देगा। इस टाइप का एकदम लाइन से देखिए सेट कट लगा के रखे फॉर द कस्टमर। ये ऐसा कोई हिसाब नहीं है कि आप नहीं ले, जो चाहे आप इसमें से उठा के लेके जा सकते हैं, यहाँ कोई पूछने वाला भी नहीं है, एकदम लाइन से। ये मार्केट एक्चुअली आप लोग को देखना है कि रिटेल तो ही है, होलसेल का दूसरा सेक्टर का जो लार्ज क्वांटिटी वाला काम है जैसे कि फैब्रिक, इसमें भी कैसे प्रॉपर सिस्टम से किया जाता है यहाँ से आपको बहुत सीख मिलेगा। ये जो मार्केट है अपना हिसाब से जितना भी फैसिलिटीज वगैरह होना चाहिए कस्टमर के लिए भर भर के है। आप हर एक रो छोड़ के दूसरे रो में जाओगे वहाँ टॉयलेट वगैरह, बैठने की जगह, फ्री वाईफाई, हर तरीके का फैसिलिटी ये लोग प्रोवाइड करके रखा हुआ, इसीलिए पूरा दुनिया से आपको यहाँ आप घूमोगे पूरा दुनिया से कस्टमर मिलेगा। ऐसा कोई कंट्री नहीं है कि वहाँ का कस्टमर यहाँ पे नहीं है। ये देखिए हमने और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात है वो बताना है, जैसे यहाँ पे आप इतना शॉप्स देख रहे हैं ना, इसमें सब मैन्युफैक्चरर नहीं है, इसमें बहुत सारा फैक्ट्री आउटलेट है जो लोग अपना मैन्युफैक्चरिंग को यहाँ प्रोवाइड यहाँ बेचते हैं, वो लोग का रेट आपको बहुत ही बढ़िया रेट मिलेगा। जो यहाँ पे ट्रेडर्स लोग हैं, ट्रेडर्स भी बहुत सारे हैं, तो ट्रेडर्स का रेट थोड़ा सा ऊंचा आएगा। तो आपको अगर यहाँ पे फैब्रिक लेना है तो आप पहले ये जांच करो कि ये ट्रेडर है या मैन्युफैक्चरर है। तो मेरा रिकमेंडेशन यही है, आपको जब भी यहाँ फैब्रिक मार्केट में काम करना है आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि आप मैन्युफैक्चरर से काम करो। मैन्युफैक्चरर के साथ काम करने से आपको रेट बहुत ही बढ़िया मिलेगा, लेकिन अगर आपको रिक्वायरमेंट जो है अगर मैन्युफैक्चरर के पास नहीं है तब तो ऑब्वियसली आपको ट्रेडर के पास भी जाना पड़ेगा। लेकिन आप फर्स्ट चॉइस रखो कि हमको मैन्युफैक्चरर के साथ काम करना है। एक्चुअली फैक्ट्री आउटलेट भी बहुत सारा है यहाँ पे, ऐसा फ्लोर वाइज बहुत सारा फ्लोर है और चारों तरफ से एस्केलेटर एलिवेटर, मतलब हर तरफ तो आप जिस तरीके से जाना चाहो, आपको मैनुअल सीढ़ी स्टेयर्स वगैरह भी है तो उसमें से भी जा सकते हो। ये एस्केलेटर एविएटर भी इस तरह बना हुआ है, वो भी डिजाइन एकदम मॉल की तरह ग्लास वाला एकदम लुक का, आपको लगेगा ही नहीं कि कपड़ा मंडी में आप हो। जैसे हम लोग का उधर का कपड़ा मंडी होता है
उसका कंपेरिजन में जाओगे तब तो माथा ही खराब हो जाएगा। ये आपको लगेगा कि जस्ट आप एक शॉपिंग मॉल में हो। ये आप ऊपर से देखो वर्कर्स लोग जो आता है, अभी बैटरी ऑपरेटेड आपको बोला था ना स्कूटी, ये बहुत चला हुआ है। ये आते हैं यहाँ पे आपको दुकानें, कुछ छोटा बड़ा सब तरीके का दुकान है। और आपको जिस भी क्वालिटी का फैब्रिक चाहिए, दुनिया में जिस भी फैब्रिक का क्वालिटी का कपड़ा बनता है, आपको फैब्रिक का क्वालिटी यहाँ आपको मिल जाएगा। आपको नेट्स वगैरह चाहिए, जीन्स चाहिए, कॉटन चाहिए, पॉलिस्टर चाहिए, मतलब जिस तरीके का फैब्रिक आपको सब यहाँ मिलेगा। यहाँ आपको हर जगह में आपका जो बैठने का फैसिलिटी, आप देखो जहाँ भी आप जाओ थोड़ा सा थक जाओ तो बैठने का फैसिलिटी तो ही है। और यहाँ सबसे बड़ा बात जो है, यहाँ सब अपना दुकान में अपने लगे हुए हैं। आपको कोई बुलाएगा नहीं, आपको कोई प्रेशराइज नहीं करेगा, कुछ नहीं पूछेगा। आप पहले वो दुकान का सामने जाते हो, वहाँ का सेट कार्ड उठाते हो, फिर आप उसका अंदर जाओगे तो ही आपको वो आके बात करेगा। ये भी बहुत अच्छा लगा, आदमी को कोई परेशानी नहीं, अपने हिसाब से आप देखते जाओ, जब आपको जरूरत हुआ तभी आओ। देखिए यहाँ पे भी, और जो आपको बोला था इंफॉर्मेशन के लिए जो लगा हुआ है इधर पे, हर कोने में आप जिस तरफ भी जाओगे हर कोने में आपको वो मिलेगा। ये आगे न्यू कॉम्प्लेक्स है, अभी हम लोग ओल्ड कॉम्प्लेक्स में था। ये जो हमारे पीछे है ये वो ओल्ड कॉम्प्लेक्स है, अभी वो न्यू कॉम्प्लेक्स है, वो भी बहुत बड़ा बना हुआ है। थोड़ा बहुत हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे जो फुट ब्रिज है, फुट ब्रिज में ये लोग थोड़ा बहुत एडवर्टाइजमेंट के लिए स्टॉल वगैरह लगा के रखा है, लेकिन ये सब गारमेंट्स बेचने के लिए नहीं है, जस्ट फॉर शोइंग कि किस टाइप का फैब्रिक यहाँ आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको मार्केट का अंदर ही मिलेगा, बैंक, बहुत सारा ATM, अब मतलब जो आपको जरूरत है सब मिलेगा आपको यहाँ। ये आप देखो ये बैंक है, ये पूरा एकदम मॉल का तरह बना हुआ है, लेकिन ये सब ये आपको देखने में लगेगा कि आप कोई मॉल में आ गए हो, कोई गारमेंट्स मार्केट वगैरह है, लेकिन यहाँ हर दुकान में गारमेंट्स नॉट फॉर सेलिंग है। ये जस्ट आपको दिखाने के लिए, इंडिकेशन के लिए, ये फैब्रिक से आपका ये गारमेंट बन सकता है। ये देखो पूरा लगा के रखता है एकदम, बहुत ही बड़ा मार्केट, नीट एंड क्लीन, एकदम देखने लायक। फ्रेंड्स ये जो न्यू कॉम्प्लेक्स है, जो फैब्रिक मार्केट का जो न्यू कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे आपको थोड़ा अपग्रेड टाइप का फैब्रिक वगैरह मिलेंगे, जो कि न्यू फैशन का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा एकदम सब अपग्रेड, न्यू लुक, न्यू डिजाइन, यहाँ पे आपको सब अपग्रेड टाइप का मिलेंगे। यहाँ पे जो मार्केट बनाया गया था अपग्रेड तरीके से और पूरे अमेरिकन स्टाइल, जैसे आप काम करते करते थक जाओ तो बैठ के थोड़ा आराम वगैरह कर सकते हो। यहाँ पे देखिए आप, ये लोग यहाँ ये फैक्ट्री का, यहाँ के मार्केट का सब स्टाफ वगैरह है, बैठ के अपना मोबाइल में अपने लगे हुए हैं। ये बैठने के लिए भी बहुत बढ़िया जगह बना के दिया है। ये कोई कस्टमर लोग नहीं है, जो लोग यहाँ काम करते हैं वो तो सबके लिए बैठने का व्यवस्था। यहाँ पे इस फ्लोर में जो जो कंपनी है सबका डिटेल्स, और एक जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो बता दूं आपको, ये जो नया कॉम्प्लेक्स में है, यहाँ जैसे क्वालिटी भी आपको सुपीरियर मिलेगा और आपका फैशन भी एकदम न्यू फैशन और रेट भी थोड़ा ऊंचाई मिलेगा। तो ये भी माइंड में आप रखना है। ये देखिए आप, तो फिलहाल ये जो हमारा फैब्रिक मार्केट का सफर था आज यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि सब दुकानें वगैरह सिमिलर ही है। हमको जस्ट आप लोग को मार्केट दिखाना था। अगर आप आओ गौंजव आओ तो आपको आना है चुंगदा मार्केट, जो कि सन यूथ सन यूनिवर्सिटी है, उसका सामने ही एकदम है और यहाँ बहुत ही फेमस है। आप कोई भी कैब वाले को बोलोगे तो आराम से आपको यहाँ लेके आएगा। तो अगर आपको कपड़े का जरूरत है, कपड़े का रिलेटेड अगर आप काम करते हैं, ये वन ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग
एंड लार्जेस्ट आपका टेक्सटाइल मार्केट है, आप यहाँ पे आओ काम करो। तो अभी फिलहाल मैं अपना वीडियो यहीं पे खत्म करता हूँ और बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगा चुंगदा में ही, और एक एक्सेसरीज मार्केट वगैरह है मैं वहाँ का करूँगा, लेकिन उसका ब्लॉग एक साथ डालूंगा तो बहुत ही लंबा ब्लॉग हो जाएगा, उसको मैं सेपरेट डालने वाला हूँ। तो तब तक के लिए चुंगदा का फैब्रिक मार्केट से बाय।